खरगोन जिले के किसानों के लिए सुखद खबर आई है। जिले में सब्जी मंडी का लोकार्पण हो चुका है। ऐसे में जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ कृषि क्षेत्र में किसानों को नए आयाम मिलेंगे। दरअसल सोमवार को जिला मुख्यालय के समीप ग्राम बलवाड़ी में 35 एकड़ जमीन पर तकरीबन 875 लाख की लागत से बनी मिर्च मंडी और सब्जी मंडी का लोकार्पण किया गया, जिसे लेकर कलेक्टर कार्यालय में वीसी आयोजित की गई, जिसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त सब्जी मंडी का लोकार्पण किया गया, जिसे पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, सांसद गजेंद्र पटेल सहित भाजपा नेता उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि किसानों को फसल की पैदावार के बाद इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसे लेकर स्थानीय तौर पर उचित व्यवस्था की गई। वहीं मीडिया से रूबरू हुए सांसद गजेंद्र पटेल ने महत्वपूर्ण सौगात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का धन्यवाद अदा करते हुए किसानों को शुभकामनाएं दी है। बहरहाल लोकार्पण की इस बेला के बाद निमार जिले के किसानों के राहत की सांस ली है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पर सर निमार किसानों की मैं बात करूँ, यहाँ का किसान इतना मेहनत करते हैं, कोई सी भी फसल अच्छा से अच्छा उत्पादन लेता है और ज्यादा उत्पादन आने से लेकिन मंडी व्यवस्थित नहीं हो रहे। निश्चित रूप से, क्योंकि खरगोन शहर में एक सब्जी और मिर्च मंडी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका व्यापार भी अनियमित था। खरगोन में आम रोड पर ही सब्जी मंडी लग रही, इसलिए ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ हो रही थी और बाकी खरगोन जिले के किसानों को इंदौर जाना पड़ता था सब्जी लेकर। मिर्च के लिए बेड़िया और सरना धामनोद मंडियों में जाना पड़ता था, इसलिए बहुत लंबे समय से किसानों की मांग थी, लेकिन वो आज पूरी हुई। अब ये सर्व सुविधा युक्त मंडी, बहुत बड़ी मंडी, लगभग 35 एकड़ जमीन में है, ये बन करके तैयार है और इसलिए पूरे निमाड़ जिले के किसानों को सब्जी और मिर्च को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये सर्व सुविधा युक्त मंडी बन करके तैयार हो गई और जिसका आज लोकार्पण हुआ, इसलिए किसानों में भी बहुत प्रसन्नता है और इस अवसर पर मैं सबको, सारे किसानों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो किसान पुत्र है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पहले भी सरकार किसानों के लिए काम किया था और वापस बनने के बाद भी किसानों के हित में काम कर रहा है। आप सबके संज्ञान में और मैं आपके माध्यम से मैं खरगोन जिले के समस्त किसानों को बताने चाहता हूँ कि इस सब्जी मंडी का जो भूमि पूजन है, जो इसकी स्वीकृति है, वो हमारे ही पूर्व कृषि मंत्री माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर जी भी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा ही किया गया। उनको ये मालूम था कि खरगोन जो जिला है ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पर अनाज की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है, यहाँ पर कपास की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है और यहाँ पर उन्नत किसान सब्जी वाला है जिसकी मंडी की यहाँ पर आवश्यकता है और उसकी स्वीकृति हमारे शिवराज जी की सरकार में की गई। और आज खुशी इस बात की है कि इस कोरोना वायरस संक्रमण के बाद भी जहाँ पर इतना बड़ा सब्जी का मार्केट हमारे खरगोन में है और उसका आज लोकार्पण हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी के द्वारा और मेरे साथ बालकृष्ण जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विपिन गौड़ जी और हम सब लोगों ने मिलकर इसका लोकार्पण किया है। ये लाखों लाख हमारे किसानों के लिए ये शुभकामना है, उनको बहुत बहुत बधाई है कि उनको अपने खुले रूप से अपनी सब्जी बेच सकते हैं, व्यापारी को बेच सकते हैं, किसी खेरची व्यापारी को बेच सकते हैं। हमारे किसान खुले रूप से अपना भाव तय करके बातचीत करके बेचेगा और मंडी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा व्यापारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा भी शिवराज जी ने करी, यहाँ पर बोनस की सुविधा भी शिवराज जी ने करी। अगर हम बात करें इस बार की सरकार की, तो हमने गेहूँ और चना जहाँ पर एक हेक्टेयर में 15-15 क्विंटल का जो गणित पूर्व की सरकार ने किया था, पूर्व की सरकार के कृषि मंत्री भी यहाँ पर थे, परंतु शिवराज जी की सरकार आने के बाद में और हमारे निवेदन के बाद में एक एक हेक्टेयर में 22-22 क्विंटल का उन्होंने स्वीकृति करी और किसान जिन्हें अपना गेहूँ और अपना चना भी आज तक बेचते आए हैं, उसका लाभ हमारे किसानों को मिला है। मैं आज इसका अवसर पर मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। एक सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कमल पटेल जी का, कि हमारे लाखों लाख किसान इस बात से प्रसन्न हैं, खुशी हैं, उसका लाभ किसानों के आर्थिक रूप से मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।